की दुआ सुनाओ इफ्तार करने की। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वरदा महक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज है 11वां रोज़ा और मेरी है इफ्तार। एंड आज मैं जा रही हूँ अपनी फूफो की बेटी के यहाँ, उन्होंने अपने बच्चे का रोज़ा रखवाया है तो हम लोग जाएंगे वहाँ पर। मैं और तैमूर जा रहे हैं, तैमूर के बाबा है नहीं यहाँ पर तो इसलिए वो नहीं जा पाएंगे। और बस अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ, तैमूर को पहले तैयार करूँगी फिर मैं तैयार होंगी। आई होप कि आज का व्लॉग भी आप लोग को पसंद आए। आपने लास्ट व्लॉग को मेरे बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत इस व्लॉग को भी इसी तरह प्यार दीजिएगा। तो मैंने ये वाला सूट पहना है, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। और बस मुझे लगा कि इस रोज़े के हिसाब से ये सूट सही रहेगा, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है और ठीक ठाक अच्छा लग रहा है। तो एंड हल्का फुल्का सा हम मेकअप कर लेते हैं। लैक्मी की सीसी क्रीम मैं जो हूँ यहाँ पर लगा रही हूँ, और पहले हम लगाएंगे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, उसके बाद हल्की सी लैक्मी की 9 to 5 की ये क्रीम है, बहुत अच्छा सा आपको हल्का सा कवरेज ये देती है। ये बहुत ही लाइट वेट क्रीम है और मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं जिन लोगों ने नहीं किया है। और जब भी मैं कहीं ऐसे छोटे मोटे फंक्शन में जाती हूँ तो मैं यही लगाना प्रेफर करती हूँ। हल्का सा हम लगाएंगे काजल, छोटे से इयररिंग पहनने वाली हूँ, हाथ में हम ये ब्रेसलेट डालेंगे हल्के सा, हाथ में मैंने ये पहना है ब्रेसलेट। रोजे में जा रहे हैं तो हल्का हल्का सा बस कर लिया है टचअप, और अब मैं बनाऊंगी बाल और फिर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स लाइट आ गई है, अगर अंधेरा लग रहा हो वीडियो में तो प्लीज सॉरी। और अभी मैं तैयार हो गई, बस थोड़े से बाल रह गए बनाने, आप लोग बताइएगा कमेंट करके मेरा सूट कैसा लग रहा है। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस हम लोग निकलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बस मैं तैयार हूँ और ये तैमू तैयार है। तैमू तो आपने क्या हालत बना ली बेटे, चलो ये पहनो, चलो पहनो। तो बस अब हम निकलते हैं, मैं वेट कर रही हूँ सबा भाभी का, वो आएंगी, हम लोग दोनों साथ में जाएंगे। बस वो आती होंगी फिर हम निकलते हैं, 6 बजने वाले हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ इफ्तारी में बस थोड़ी सी देर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ्तारी की तैयारियाँ हो चुकी हैं, प्लेट्स वगैरह सब की लगी। और ये देखिए ज़रा तैमूर ने जो है हार डाल रखा है, जिस बच्चे का रोज़ा है उसके लिए लोग लेकर आए थे और तैमूर ने उससे ले लिया कि भाई प्लीज़ मुझे भी दे दीजिए, तो ये डाले हुए बैठे, बहुत खुश है माशाल्लाह। और यहाँ मिल गया है हमें रो अफ्जा, तैमूर को भी मिल गया, बच्चों को तो बेहद पसंद होता है। मैंने तैमूर को मना भी किया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बच्चे ज़िद करते हैं तो उसको भी दे दिया। इफ्तार का टाइम हो गया, आप लोगों से मिलते हैं इफ्तार के बाद। तो हम जिसके रोज़े में गए थे वो ये है नवाज, जिसका आज रोज़ा था। दुआ सुनाइए इफ्तार करने की। माशाल्लाह। और उसकी रोज़ा रखने की। उमैमा बाप सुनाओ, इफ्तार करने वाली वाली देखती पड़ती। अच्छा फारिया को याद है, फारिया तो सुना रही थी अभी, सुनाओ। मैं इफ्तार की याद है। फिर कौन सी याद है? रोजा रखने की। सुनाओ। हाँ उमैमा कितने रोजे हो गए मेरे अभी तक? सारे हुए। चलो तो
तुम उसकी दुआ सुनाओ इफ्तार करने की। आ गया आओ खाला के पास। कौन लाया था ये सूट आपका? लखनऊ से आया था। बहुत प्यारा लग रहा है ये। मेरे नहीं मंगाना है पापा से। मंगाओगी पक्का? प्रॉमिस प्रॉमिस। तो हम लोग आ गए यहाँ पर खाना खाने। खाने में बना था नान गोश्त और बिरयानी। मैं और सबा भाभी खाने के लिए बैठ गए थे। बहुत ज़्यादा भूख तो नहीं थी इफ्तार के बाद, लेकिन हमने कहा थोड़ा सा खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने पहले तैमूर को नान गोश्त खिलाया, फिर थोड़ा सा खुद खाया, अब मैं खा रही हूँ बिरयानी। बिरयानी किस किस की फेवरेट है तो कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो बस मैं वही खा रही हूँ। फिर उसके बाद चलते हैं घर पर। मुझे इन बच्चों को संभालने का आज काम मिला है। एक रो रहा है, दूसरा रो रहा है, सब मुझे ही दे जाते हैं। तुम संभाल लो क्योंकि अब मेरा बेटा माशाल्लाह बड़ा हो गया इस वजह से। तो अब हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। खाना भी बहुत अच्छा था, मज़े का था, नान गोश्त बिरयानी। बस अब हम लोग घर जाएंगे। ये जायना, ये इधर जायना है और ये शहर की बेटी है। चलिए तो अब हम चलते हैं घर पर। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ घर पर। जैसे कि आपने देखा, मैं आज इफ्तारी में गई थी, रोज़ इफ्तार में, और खाना वाना खाया वहाँ पर। खाना भी बहुत अच्छा था, नान गोश्त और बिरयानी थी। बिरयानी तो मेरी फेवरेट है। बस और कुछ शूट नहीं किया घर आकर। सबा भाभी यहीं पर ही आ गई थी, फिर नमाज़ वगैरह तरावी यहीं पर ही पढ़ी, फिर वो भी चली गई। तैमूर बहुत ज़्यादा थक गया था, यह है स्कूल से आके वो सोया नहीं था, अभी जाके वो सो गया है। कल तैमूर की छुट्टी है। बस अब सहरी की तैयारी होगी, थोड़ी बहुत देर सोएंगे फिर सहरी में उठेंगे। आज के व्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया हो मेरा ये छोटा सा व्लॉग, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी रमज़ान के और व्लॉग बनाने की। तो इसी तरह से मेरे व्लॉग को, मेरी वीडियो को प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।